हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 23 जनवरी, सबको राम मंदिर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम। तो जय श्री राम बोल के हमारा ये वीडियो शुरू होता है। तो आज 23 जनवरी, आज ही देखिए मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ है। बहुत ही अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन कुछ पॉजिटिव तो मार्केट में था, पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट गैप अप हुआ है, लेकिन मार्केट उस लेवल तक नहीं टिक पाया है। तो बहुत ही हम लोगों को आज गिरावट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे आप लोग, मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस दिन बोला था, पिछले वीडियो में बोला था कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी तक पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल का, मतलब 21,400 का नीचे नहीं जाएगा, तब तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है, मार्केट ये वाला जो कैंडल बना था ना आपका, कितने तारीख को, 18 जनवरी को मार्केट एक फॉल दिया था। मार्केट हम लोगों का जो हाई हुआ था, देखिए कितना एक कोइंसिडेंस बोलेंगे, कोई कोई कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, कोई कोई यहाँ पे एक चमत्कार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाई देखिए, यहाँ पे ये हाई नोटिस कीजिए, क्या नंबर है, 22,124, और राम मंदिर कब बना है, 22,01,24। मतलब कितना अच्छा है, मतलब ये सब क्या है, कोइंसिडेंस है क्या, या फिर इसने इसको कोई खुद ने, इतना परफेक्टली कैसे होता है ये चीज़, वही मतलब इस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी हो, ये गॉड है, इसका मतलब गॉड कुछ तो है, ऐसा गॉड तो है, राम, जय श्री राम तो है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट फॉल हुआ है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे एक जो कैंडल बनाया है वो है, हुआ है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है ना। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, उसका नेक्स्ट डे में फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में उस दिन भी मार्केट डाउन तो आया था। डाउन आने के बाद क्या किया है, जो बायर्स हुआ है वो लोग क्या किया, मार्केट को ऊपर क्लोजिंग किया है। सपोज़ मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट धीरे धीरे क्या किया, नीचे आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सेलर्स नीचे लाया था, उसके बाद बायर्स एक्टिव आया। बायर्स एक्टिव होने के बाद बायर्स ने क्या किया, धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके यहाँ पे जाके क्लोजिंग किया है। तो इसलिए ऐसा एक कैंडल बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का नेक्स्ट डे में गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट स्टे किया है। नेक्स्ट डे में फिर से मार्केट अप तो ओपन हुआ है, फिर धीरे धीरे नीचे जाके क्लोज किया है। लेकिन ये हुआ था आपका कब, जो 20 जनवरी को, सैटरडे को, ठीक है। तो आज है 23, आज ट्यूजडे है। तो आज मार्केट सेम जगह से थोड़ा बहुत गैप ओपन होके यहाँ से धराधर गिरने लगा, और बैंक निफ्टी भी सेम टाइम में, बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, 2.26% गिर गया, और निफ्टी 1.54%। तो निफ्टी में हमारा जो मेनली गिरा है ये हुआ है आपका रिलायंस भी गिरा है आज अच्छा खासा, 2% पिटाई हुआ है रिलायंस का, और TCS और HDFC बैंक भी साथ दिया है उसका, इन्फोसिस भी है, बहुत सारा स्टॉक्स ऐसा है जो आज बहुत ही अच्छा खासा पिटाई हुआ है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर गिरा है बहुत ही अच्छा, हिंदुस्तानी यूनिलीवर तो आपका 52 वीक्स का लो पे है अभी, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक स्विंग बनाते तो मैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर कुछ बाय करूँगा, क्योंकि अच्छा खासा अभी भाव पे मिल रहा है, ठीक है। और HDFC बैंक को भी मैं ऐड करूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा भाव पे है HDFC बैंक का भी, 52 वीक्स लो पे है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारा चार्ट पे, और यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है, ठीक है। ओके, देन अभी मार्केट आज क्लोजिंग किया है 21,243, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, गैप अप मतलब अभी 200 का आसपास क्लोजिंग किया है, 300 या फिर 350 यहाँ पे ओपन होगा, तो हम लोग एक सेल का अपॉर्चुनिटी
सेल के लिए हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत सारा। ये तो मैचोर रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है 21,500 के आसपास, ठीक है, 527 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और नीचे की साइड में भी अगर ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट पहले हैमर कैंडल बनाएगा या फिर जो भी धीरे धीरे अपसेट जाएगा, तो हम लोग सेल कर लिए ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। जल्दी यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बाई करेगा तो बहुत यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने ऐसा एक प्राइस एक्शन बनाएगा, थोड़ा तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक ब्रेकआउट देखे होल्ड है, एक वी शेप रिकवरी देखा देगा, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यहाँ पे दो तरह का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि आज जो लोग यहाँ पे बाई कर रहा था, बाई करके चल रहा था, सब लोग का अभी यहाँ सेल कट हुआ है। हर बार लोग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पे बाइंग किया है, क्यों किया है, बहुत सारा न्यूज़ अभी पॉजिटिव है यहाँ पे इंडिया में, बहुत कुछ अभी, मतलब जो कल हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है, बहुत कुछ अभी अभी है पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइक करके चलेंगे और मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ है। तो मतलब लोगों को ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट आज इतना गिर जाएगा, जो भी स्विंग में आके मार्केट रुक रहा है यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और मार्केट धड़ाधड़ नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ पे बाइंग कर रहा है फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पे रुक रहा है बाइंग कर रहा है नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो रीज़न है उसके लिए, तो हमारा देखना पड़ेगा इस वीक को तो मार्केट क्या करता है, या फिर यहाँ से 21,000 का मेजर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फर्दर हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को लिए मिल सकता है, 19,788 का टारगेट मिल सकता है, मैंने जो लगा के रखा है, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि कल का दिन कहाँ मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है तो 21,000 के आसपास यहाँ पे अगर ओपन होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बाई का पोजीशन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि छोटा मोटा एसएल देके यहाँ पे बाई करने के लिए, क्योंकि ये जो स्विंग देख रहे हैं 21,000, यहाँ पे मार्केट देखिए एक बार यहाँ पे आगे सपोर्ट लिया है मार्केट, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट ने, तो यहाँ पे और एक बार जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा क्या यहाँ पे बायर्स एक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बार आके बायर्स एक्टिव हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं गिरेगा, जो लोग यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे मार्केट को नहीं गिराया है, यहाँ पे बाई करके मार्केट को अपसेट लेके गया है, वो लोग फिर से कोशिश करेंगे कि ये लेवल पे आने के बाद जो लोग यहाँ पे मिस किया है वो लोग फिर से यहाँ पे बाई करने के लिए कोशिश करेगा, तो फिर से मार्केट थोड़ा अपसेट जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कल का दिन कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और अपसाइड अगर 21,300 350 यहाँ पे ओपन होता तो हम लोग एक सेल के लिए थोड़ा छोटा एसएल लगा के हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एफएनओ का हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉल का ओआई बिल्ड हुआ है, यहाँ पे कॉल साइड में ज़्यादा बिल्ड हुआ है और बोट साइड में ओनली 19,000 बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो प्लेयर्स होता है वो लोग का ज़्यादातर अभी मार्केट में नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है, तो अभी देखते हैं, बहुत सारा स्टॉक्स अभी गिर रहा है, बड़ा बड़ा स्टॉक्स जो HDFC बैंक है, मेजर स्टॉक्स है, ICICI बैंक, सब स्टॉक्स है ना, वो सब स्टॉक्स अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो कुछ दिन हम लोग देखेंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में मंथ आ रहा है और जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर के टाइम में मार्केट थोड़ा डाउन ही जाता है, मेरा जो मैं जितना भी देखा है आज तक ऐसा ही होता है, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर गाइस, चलो मिलते हैं कल, और अच्छे से ट्रेड कीजिए कल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना तक वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।